एमके चरण सागर में आपका स्वागत है। We will learn something new now। इससे पहले हम लोगों ने पास्ट का सारा कुछ पढ़ लिया था, जैसे पास्ट इंडेफिनिट जिसे सिंपल पास्ट बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज सारा कुछ शॉर्ट में तुरंत याद कर लेंगे, ठीक है? अच्छा से फिर से चलिए तो अच्छा से फिर से इसको याद कर लेंगे। पहले इसको आइडेंटिटी देखते हैं, ठीक है? इससे पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या था ये ई ता था ती थी ते थे, या है ये है ये है नहीं लगा रहता है, लेकिन या ये ई सिर्फ लगा रहता है, तो उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट सिंपल पास्ट में है, ठीक है? अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जैसे कि जिसमें नहीं लगा रहता है, क्या क्यों कैसे ये सभी नहीं लगा रहता है, उसको हम इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। जैसे कि मैं खाया, तो या लगा हुआ लास्ट में, तो इसको इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। सब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद वी टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो मैं खाया का आई एट हो जाएगा, ठीक है? पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जो भी काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं और वर्ब वो होता है जो कोई भी काम होता है, जैसे पढ़ना लिखना, जैसे चलाना साइकिल चलाना, कोई भी काम वो क्या होता है वर्ब हो जाता है। ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु या हो जाती है। नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, सिर्फ बी टू को हटा के डिड प्लस नॉट डाल देंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद सिर्फ बी वन कर लेना है, यहाँ ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, है ना? तो देखिए सब्जेक्ट रहेगा ही, ऑब्जेक्ट आपको याद है, सिर्फ डिड नॉट लगा देंगे या बी वन लगा देंगे। यहाँ नेगेटिव है तो नॉट तो रहेगा ही, तो सिर्फ आपको डिड और वी वन याद रखना है जो निगेटिव में होता है। यस नो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इसी डिड को आगे ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वही रहेगा, नॉट वही रहेगा, वी वन वही रहेगा और ऑब्जेक्ट वही रहेगा, है ना? तो निगेटिव का सेंटेंस देखिए जैसे कि रहता है, मैंने नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट हो जाएगा, क्या आपने खाया तो डिड यू ईट हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू एच को क्या करेंगे, यस नो स्ट्रक्चर है ना ये वाला, इसके आगे सिर्फ आप डब्ल्यू एच वर्ड डाल दीजिए यहाँ, उसके बाद सारा का सारा ये लिख दीजिए, उतार दीजिए, हो गया। नोट रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे कि इसमें रहेगा क्या क्यों हाँ ये सभी रहेगा, तो डब्ल्यू एच के जगह पर वो वर्ड डालेंगे। जैसे कि देखिए वह कहाँ गया, तो वेयर कहाँ का क्या हो जाएगा, वेयर डिड ही गो हो जाएगा। यहाँ नोट नहीं था तो नहीं दिए, ऑब्जेक्ट नहीं था तो नहीं दिए। तो क्या क्यों कैसे ये सब इस सेंटेंस के बीच में लगा रहेगा, ठीक है? अब बनाते समय इंग्लिश में आप यहाँ लिखेंगे, हिंदी में उस क्या क्यों कैसे ये सभी बीच में लगा रहता है, अब पिछला क्लास पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा। और क्या सिर्फ क्या शब्द जो पहले लगा रहता है, तो इसको हम इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं, है ना? आई होप आपको ये पास्ट इंडेफिनिट का या सिंपल पास्ट का याद हो चुका होगा। अब चलिए पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग पढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, इसका आइडेंटिटी देख लीजिए, पास्ट में कोई भी काम आपको जारी रहेगा, ठीक है? जैसे कि कोई भी काम बहुत देर से चालू हो रहा है, जारी ही रहा था, तो जैसे कि इसका हिंदी स्ट्रक्चर क्या, हिंदी पहचान होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वाज वर रहेगा, उसके बाद वी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो जानते ही, अब वाज वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, मैन वर्ब हो गया, वी फोर में क्या करना है, वर्ब के आगे वर्ब के बाद आईएनजी लगा देना है, जैसे ईट का ईटिंग हो जाएगा, रीड का रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट तो जानते ही, कोई भी वस्तुएं होती है, तो क्या इसमें कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैं खा रहा था तो आई वाज ईटिंग, ठीक है? नेगेटिव बनाना है तो वाज वर्ब के बाद यहाँ नॉट लगा देंगे, बस हो गया नेगेटिव। जैसे कि मैं नहीं खा रहा था तो आई वाज नॉट ईटिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं देंगे। जैसे कि मैं आम नहीं खा रहा था तो आई वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो हो जाएगा, है ना? अब चलिए ये भी समझ गए हम लोग। अब यस नो में क्या होगा, ये डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब जो है आप आगे ले आइए। अब वाज या किसका प्रयोग, वाज का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग हमने बता दिया है किसके साथ होता है, आप पिछले क्लास में जाके देख सकते हैं। उसके बाद इज का देखिए, ये हेल्पिंग यस नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या करेंगे, आप इसी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब कुछ वही रहेगा। कंटिन्यूस रहेगा तो समझ जाइए वर्ब फोर का प्रयोग रहेगा, रहा रही जहाँ भी रहेगा तो समझ जाइएगा वी फोर का प्रयोग होगा। तो याद हो गया वी फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है? जैसे क्या आप खा रहे थे तो वर यू ईटिंग, क्या अब देखिए इस पे तो बना लिए, अब क्यों नहीं खा रहे थे तो वाई इसमें हो जाएगा, अब क्यों बीच में लगा है तो इसमें क्या होगा, पहले यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू एच के जगह पर,
तो डब्ल्यू एच के पहले देखिए स्ट्रक्चर याद कैसे रखेंगे। इसी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करेंगे हम लोग, ये डब्ल्यू एच पहले यहाँ डाल देंगे, उसके बाद सारा का सारा उतार दीजिए, ये वाला सारा का सारा उतार दीजिए, हो गया। अब देखिए किसका सेंटेंस देख लीजिए, आप क्यों खा रहे थे, तो वाई वर यू ईटिंग हो जाएगा। आप क्यों नहीं खा रहे थे, तो वाई वर यू नॉट ईटिंग। सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट, वर्ब के जगह पर वर्ब, है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं दिए। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा अगला पेज याद करते हैं, पास्ट का परफेक्ट टेंस, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका आइडेंटिटी देखिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सभी लगा रहता है, ये ई या ये था, ई थी, ये थे, ये सभी लगा रहता है। उसमें देखिए पास्ट इंडेफिनिट में था नहीं था, सिर्फ या लगा था, लेकिन इसमें था भी रहता है, ये तो आप लोगों ने किताब की भाषा में समझा। अब वैसे आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में समझें तो पास्ट परफेक्ट सिर्फ उसे कहते हैं जो से हम आप जो काम पास्ट में ख़त्म हो चुका हो, ठीक है। वैसे जनरली ये नॉर्मली इसका यूज होता है इस तरह से, लेकिन इसका जो अच्छा से यूज होता है, जैसे कि राम के आने से पहले रोगी मर चुका था, इस तरह के सेंटेंस हम बता चुके हैं पार्ट वन पार्ट टू करके, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको आप देखते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसमें देखिए थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या जो परफेक्ट में कंटिन्यूस था रहा रही, तो इसमें हमने भी फोर का प्रयोग किया था। परफेक्ट मतलब चुका चुकी, जहाँ भी आप देखिएगा तो भी थ्री का प्रयोग कीजिए, याद हो गया, चुका चुकी में भी थ्री और रहा रही में भी फोर। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आपको याद है, ऑब्जेक्ट याद है, चुका चुकी है तो इसमें भी थ्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है, चुका चुकी है तो भी थ्री का प्रयोग करेंगे। अब इसको सिर्फ क्या बचा इसमें, हैड, तो हैड बचा तो सिर्फ आप हैड याद रखिए, जहाँ पास्ट परफेक्ट में चुका चुकी थी तो इसमें आपको हैड लगता है, तो अफर्मेटिव याद हो गया होगा, सब्जेक्ट उसके बाद हैड उसके बाद भीतरी ऑब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट होता ही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको याद है, चुका चुकी था तो भीतरी होता ही है, परफेक्ट है तो भीतरी होता ही है। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या रखना है, सिर्फ यहाँ नोट लगा दीजिए, हैड के बाद नोट लगा दिए, निगेटिव बन गया, सब कुछ यही रहेगा, यहाँ आप नोट लगा देंगे निगेटिव बन गया। अब इसमें आपको ये क्या रखना है, सब कुछ तो याद है, यही हैड को आगे ले आइए, उसके बाद सारा का सारा उतार दीजिए, सब्जेक्ट उसके बाद नोट प्लस भी थ्री ऑब्जेक्ट, नोट रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे कि हम खा चुके हैं, सूख चुके थे तो वी हैव ईटन हो जाएगा, हम आम खा चुके थे तो वी हैड ईटन ए मैंगो हो जाएगा। अब यहाँ क्या आप लिख चुके थे तो हैड यू रिटेन हो जाएगा, क्या आप किताब नहीं लिख चुके थे तो हैड यू नॉट रिटेन ए बुक हो जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा किताब। अब चलिए डब्ल्यू एच क्या होता है, इसमें तो क्या लगा रहता है पहले, है ना, इसमें क्या होता है, आप लोग तो जानते होंगे वाई वेयर हु ये सभी पहले लगा रहता है ना इंग्लिश में, और हिंदी में करेंगे तो वही कहाँ क्यों कैसे यह सभी बीच में लगा रहता है। चलिए इसको बनाते हैं, डब्ल्यू एच प्लस हैड इसी में लगा दिए, हो गया, चलिए ये सब उतार लिए तो हो गया। अब चलिए हम बनाते हैं हिंदी में, जैसे कि कोई रहेगा आप क्यों नहीं पढ़ चुके थे तो वाई हैड यू नॉट रीड होता है इसका, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट का भी याद किया। अब चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को देखते हैं, ठीक है। अब ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, इसका भी आइडेंटिटी देख लीजिए, कंटिन्यूस है, रहा रही रहेगा ही, अब रहा रही रहेगा देख लीजिए भी फर का प्रयोग होगा ही, है ना। अब चलिए इतना समझ गए आप, परफेक्ट टेंस है तो सिंस प्लस टाइम, फोर अब्लिक सिंस प्लस टाइम होगा ही, समझे, फोर अब्लिक सिंस प्लस टाइम होगा ही स्ट्रक्चर में। यदि आपका प्रयोग नहीं है हिंदी में तो आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका हम आइडेंटिटी देखते हैं हिंदी में, समय के बाद रहा था रही थी रहे थे लगा रहता है, उसमें समय का बोध होगा उस हिंदी सेंटेंस में, उसके बाद रहा था रही थी रहे थे इस तरह से रहता है। जैसे कि देखिए रहेगा आपका सेंटेंस, मैं चार दिनों से पढ़ रहा था, मैं चार दिनों से पढ़ते आ रहा था, मतलब ते रहा था ती रही थी भी होता है, हमने यहाँ नहीं लिखा है। जैसे कि देखिए ते रहा था ती रही थी, ये सब भी होता है। चलिए तो इसको हम याद कर लेते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को, पहले हैड सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए वही हैड पास्ट परफेक्ट वाला, परफेक्ट है तो हैड होगा ही, उसके बाद ये कंटिन्यूस है इसलिए यहाँ बीन जोड़ दीजिए अपना मन से। अब भी फोर तो याद है, रहा रही है तो,
अब ऑब्जेक्ट इसमें डाल दीजिए, याद है ऑब्जेक्ट तो होता ही है वर्ब के बाद। अब फोर अब्लिक सिंस जोड़ दीजिए, टाइम हो गया, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट हैड होगा ही, उसके बाद हैड के बाद नोट डाल दीजिए, बिन होगा ही, बिफोर होगा ही, ऑब्जेक्ट ये सभी वही रहेगा, आप उतार दीजिए, याद हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए सब्जेक्ट तो होता ही है, रहा रही है तो बिफोर होगा ही, ऑब्जेक्ट तो होता ही है सभी में, है ना। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा याद, अब परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, तो इसीलिए इसमें फोर अब्लिक सिंस प्लस टाइम रहता है। जब भी जहाँ भी आप परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे वहाँ फोर अब्लिक सिंस प्लस टाइम होगा। यदि ये समय आपका बोध नहीं है हिंदी में तो आप नहीं बनाएंगे, नहीं लिखेंगे ये वाला, ठीक है। जैसे अब आपको हम थोड़ा बता देंगे, अब ये भी हो गया निगेटिव भी, यहाँ हैड कर बाद नोट लगा दिए, यस नो में देख लीजिए, इसी हैड को क्या करेंगे आगे ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यही रहेगा और नोट वही रहेगा, ये सभी के सभी उतार दीजिए, हो गया। जैसे कि बीन हो गया, उसके बाद भी फोर होगा ही, ऑब्जेक्ट फोर अब्लिक सिंस प्लस टाइम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप दे दीजिएगा समय, मतलब कि लिखते समय, नहीं तो मिस्टेक कर देते हैं, गलती करवा देते हैं। डब्ल्यू एच में क्या करेंगे, इसी के आगे सिर्फ यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देंगे, जिसका मतलब होता है क्यों कहाँ कैसे, ये सभी यहाँ रहता है डब्ल्यू एच के जगह पर। उसके बाद हैड, ये हैड सभी कुछ सारा का सारा वही उतार दीजिए, हो गया। जैसे कि हैड सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसके बाद बीन, तब बी फोर, तब ऑब्जेक्ट, तब फोर अब्लिक सिंस प्लस टाइम। तो देखा आप लोगों ने, थोड़ा सा हिंदी देख लीजिए इसका। जैसे कि हम चार दिनों से पढ़ते आ रहे थे, तो वी हैड बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट नहीं तो नहीं देंगे, फोर 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 आवर्स है तो आवर्स, डे है जो तो डेज, ठीक है, हो गया। अब देखिए फोर अब्लिक सिंस का हमने प्रयोग बता चुका है पिछले क्लास में, तो वहाँ आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा अच्छा से। जैसे कि जो भी काम बदलता है, जिसका टाइम फिक्स रहता है उसके साथ सिंस, और जो टाइम फिक्स नहीं रहता है बदल सकता है उसके साथ फोर का प्रयोग होता है। अब जैसे कि मैं दो दिनों से नहीं पढ़ रहा था, तो आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर टू डेज हो जाएगा। अब जैसे कि देखिए मैं 2015 से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग सिंस 2015, 15 है तो 2015। देखा आपने सिंस कैसा प्रयोग किया है, क्योंकि 2015 बदल नहीं सकता है हमेशा, आप कभी भी बोलेंगे तो 2015 ही, लेकिन दो चार दिन क्या होता है, आज बोलेंगे तो दो चार दिन कुछ रहता है, पहले का दो चार दिन रहता है, लेकिन दो साल के बाद बोलेंगे तो दो चार दिन, तो उस समय क्या होगा, दो चार दिन वहाँ से पीछे का दो दिन हो जाएगा, इसलिए वो बदल सकता है। तो अब इसका देख लीजिए एग्जांपल, जैसे क्या आप दो दिनों से पढ़ रहे थे, तो हैड यू बीन रीडिंग फॉर टू डेज, आप क्यों दो दिनों से पढ़ रहे थे, तो वाई हैड यू बीन रीडिंग फॉर टू डेज, है ना। तो इस तरह से रहते हैं, और नहीं नोट लगा रहेगा तो आप नोट वाला बना लेंगे, अब वो उसमें हम सारा कुछ हम डिटेल्स में बताए हुए हैं, इसमें आपको स्ट्रक्चर से याद हो गया होगा। तो आई होप यू विल हैव गेट एवरीथिंग ईजली एंड यू आर इंजॉइंग योर लाइफ एंड यू कैन अचीव योर गोल विथ स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एवरीवेयर विदाउट हेजिटेशन। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।